नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभ लेना चाहते, फ्री गैस सिलेंडर योजना का लाभ लेना चाहते, तो यहां पर आपको पता होगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन आप चाहो तो ऑनलाइन भी करवा सकते हो, ऑफलाइन भी करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि सभी जगहों पर, सभी एरियाओं में अलग अलग गैस एजेंसी होती है। कहीं पर इंडियन गैस एजेंसी होती, तो कहीं पर भारत गैस एजेंसी, तो कहीं पर एचपी गैस एजेंसी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का मैं वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, अगर के एरिया में, आपकी लोकेशन में इंडियन गैस सर्विस है या फिर एचपी गैस सर्विस है, तो यहां पर आप बड़ी ही आसानी से उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन कर सकोगे ऑनलाइन। लेकिन अगर आपके एरिया भारत गैस सर्विस है, तो यहां पर आपको ऑनलाइन करने में थोड़ी बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि यहां पर पिन वगैरह एडिशनल चीजें मंगाता है और इसकी केवाईसी भी थोड़ी अटपटी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों, आप चाहो तो यूट्यूब पर भी ऐसी कई वीडियो सर्च करके देख सकते हो, जहां पर आप इंडियन गैस सर्विस और एचपी गैस सर्विस की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो मिल जाएगी, लेकिन भारत गैस उज्ज्वला योजना की रजिस्ट्रेशन की कोई भी प्रोसेस नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी प्रोसेस ही बहुत अटपटी है। आज तक किसी भी यूट्यूबर ने यहाँ पर बनाकर नहीं डाली है भारत गैस प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से रिलेटेड वीडियो, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑनलाइन फॉर्म आम नागरिकों के लिए नहीं है। दरअसल ये जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ एजेंसी वाले ही भर सकते हैं, तो यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान दें। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि आपके एरिया में अगर भारत गैस है और कोई गैस एजेंसी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आप किस तरीके से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभ ले सकोगे गैस सिलेंडर का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर सीधी सी बात है, आप ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कीजिए और ऑफलाइन ही अपनी एजेंसी में जाकर जमा कर दीजिए, अगर आपकी एजेंसी भारत गैस से है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म किस तरीके से निकालने, उसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, जिस पर आपको क्लिक करना है, तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको टर्म एंड कंडीशंस वगैरह रहती है सारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर आप रूल्स यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, तो यहाँ पर सिंपली आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर के बटन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स बता देगा क्या क्या चाहिए होगा। सिंपली यहाँ पर आपको केवाईसी करवानी होगी, इसके बाद राशन कार्ड होना जरूरी है, आधार कार्ड जरूरी होना है, एड्रेस प्रूफ जरूरी होना है, और यहाँ पर बैंक का पासबुक भी जरूरी है, ठीक है ना। इसके बाद बेनिफिशियरी टू कस्टमर, इसके बाद हम बेनिफिशियरी टू कस्टमर के बटन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या कैसे क्या यहाँ पर बेनिफिट्स मिलेंगे, उसकी भी डिटेल आप देख सकते हो। इसके बाद लास्ट में आता है फॉर्म का, तो फॉर्म पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको चार फॉर्म देखने को मिलेंगे, पहला केवाईसी फॉर्म, दूसरा सप्लीमेंट्री केवाईसी डॉक्यूमेंट एंड अंडरटेकिंग, तीसरा यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर माइग्रेट एनेक्जर वन, ठीक है ना। इसके बाद चौथा प्री इंस्टॉलेशन चेक एनेक्जर टू, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इन चारों ही पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है ना। पहला केवाईसी फॉर्म आपका 2 पेजेस का रहेगा, दूसरा आपका सप्लीमेंट्री केवाईसी आपका यहाँ पर 1 पेज का रहेगा, फिर सेल्फ डिक्लेरेशन, फिर यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर आपको चारों के चारों यहाँ पर जो आपकी पीडीएफ है, सबको यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल लेना है। टोटल यहाँ पर प्रिंट आउट आपके 2, 3, 4, 5 प्रिंट आउट हो जाएंगे, ठीक है ना। पांचों प्रिंट आउट वो भरना है, सिंपली आपको यहाँ पर अपनी 2 फोटो, एक आधार कार्ड, एक बैंक का पासबुक, एक यहाँ पर राशन कार्ड की फोटोकॉपी, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हो तो समग्र आईडी वगैरह, और यहाँ पर सिंपली अपना वोटर आईडी भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अटैच करके आपको अपनी गैस एजेंसी में ले जाना है, ठीक है ना। वहां पर जो इसकी फीस होगी, जो भी फीस होगी, फीस जैसे कि मैंने आपको बता दी, यहाँ पर आप देख सकते हो बेनिफिट्स टू कस्टमर, तो यहाँ पर आप फीस वहां पर जमा कर सकते हो, ठीक है ना। फीस जमा करने के 1-2 दिन के बाद आपको अपनी एजेंसी से ही यहाँ पर आपकी जो उज्ज्वला योजना की किताब होती है वो मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आसान शब्दों में मैंने आपको उज्ज्वला योजना का न्यू कनेक्शन भारत गैस एजेंसी के थ्रू किस तरीके से लेना है आपको समझ आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पर ही फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।